हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को उस जगह पर लेके आया हूँ जहाँ पर देश के प्रगति के वे के साथ मीट कर रहा है देश का प्रगति का कॉरिडोर। यानी कहने का मतलब ये है कि WDFC मीट कर रहा है हमारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस पर पार्ट, यानी DND KMP एक्सप्रेसवे से। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वेस्टर्न DFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का अपडेट दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी हम लोग हैं यहाँ पे दादरी रेवारी सेक्शन पर और यहाँ पे आप लोगों को इस WDFC का अपडेट दिखाने वाले हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं ऊपर से DFC यहाँ पे DND KMP एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर निकल रहा है। लेफ्ट साइड में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग दादरी पहुंच जाएंगे और वहीं राइट साइड पर जाने पर आप लोग रेवाड़ी पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कितना कुछ काम यहाँ पर हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस अपडेट को। दोस्तों, यह है वेस्टर्न कॉरिडोर यानी वेस्टर्न DFC कॉरिडोर, जहां पे आप लोग देख सकते हैं सामने जो ट्रैफिक जा रहा है वो जा रहा है खलीलपुर नूह डिस्ट्रिक्ट के KMP एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज की तरफ। और यहां पे आप लोग देखेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में आप लोगों को डबल ब्रॉड गेज की ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, जहां पे डबल स्टैक कंटेनर की मालगाड़ियां चला करेंगी। तो दोस्तों, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर टोटल 1506 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जो कि स्टार्ट होती है यूपी के दादरी से और एंड होती है महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। दोस्तों, यहाँ पे यूपी में इसका 19 किलोमीटर का हिस्सा आता है। आज मैं आपको हरियाणा सेक्शन में अपडेट दिखाऊंगा दादरी रेवारी सेक्शन के बीच में। तो यहाँ पे बता दूं, हरियाणा में 177 किलोमीटर का हिस्सा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का है, राजस्थान में इसका 567 किलोमीटर का, गुजरात में 565 किलोमीटर का, महाराष्ट्र में 178 किलोमीटर का हिस्सा यहाँ पे WDFC में है। डबल ट्रैक यहाँ पे इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि एक ट्रैक अप के लिए और एक ट्रैक डाउन के लिए है। ऑपरेटर है इंडियन रेलवे, ऑनर है DFCCIL कंपनी यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और यहाँ पे 25,000 किलो वोल्ट ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम से इस ट्रेन को यानी यहाँ की ट्रेनों को चलाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बलास्ट फिलिंग का काम हो चुका है, ट्रैक बिछ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं जो मास्ट है उसको इरेक्ट कर दिया गया था, आप लोगों ने पहले भी देखा था। उसके बाद यहाँ पे जो मास्ट में ओवरहेड कैटेनरी और वायर जो लगाए जाते हैं वो भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पे हो चुका है और 30 मार्च यानी आज से 2 दिन पहले आप लोगों को यहाँ पे ट्रायल रन देखने को मिला था। यहाँ पे ट्रायल रन लिए गए हैं दादरी से रेवारी के बीच में और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लोको जो कि WAG 9 है उसको यहाँ पर ट्रायल रन लिया गया है, यानी इलेक्ट्रिक लोको का यहाँ पर ट्रायल हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत जल्दी एक डबल स्टैक कंटेनर से भी ट्रायल होगा और धीरे धीरे यहाँ पर मालगाड़ियाँ चलने लगेंगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में ये DFC कॉरिडोर काफ़ी अहम साबित होंगे। 2 प्रोजेक्ट्स पर काम अभी चल रहा है, एक है EDFC, एक है WDFC। तो यहाँ पे WDFC में 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियाँ चला करेंगी, 12,000 टन तक एक बार में माल ढुलाई किया जाएगा और यहाँ पे डबल स्टैक कंटेनर की मालगाड़ियाँ हुआ करेंगी। वैसे आप लोग जानते हैं ना, मालगाड़ियों से यानी इंडियन रेलवे से माल ढुलाई में खर्चा सबसे कम आता है। अगर आप लोग सड़क परिवहन, वायु परिवहन का यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसमें डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ियाँ दिल्ली से लेकर आप लोगों को सीधा जाएंगी मुंबई तक। यानी दिल्ली की एक ब्रांच लाइन यानी तोलकाबाद से एक ब्रांच लाइन बिछाई जा रही है, जो कि असावटी में आकर मिलेगी इस WDFC कॉरिडोर से। दोस्तों, पूरे कॉरिडोर में लगभग अब मास्ट इरेक्शन का काम, कॉन्टैक्ट कैटेनरी वायर को लगाने का काम और साथ ही में देखेंगे आप लोग नीचे की तरफ तो ट्रैक को एक दूसरे से ज्वाइंट करने का काम और यहाँ पे जो स्लीपर्स बिछाए गए हैं वो है कॉन्क्रीट के, यानी स्लीपर्स बिछाने का काम और बलास्ट फिलिंग का काम कर लिया गया है। बलास्ट इसलिए बिछाए जाते हैं ताकि यहाँ पे जो ट्रेन है उसको जो फोर्स है वो कम देखने को मिले, फ्रिक्शनल अच्छे से बना पाए और यहाँ पे ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में चल पाए। तो दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करें तो 935 किलोमीटर का लगभग जो पार्ट है वो ऑपरेशनल है और वहीं पे 569 किलोमीटर का जो पार्ट है वो यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी 60% काम यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पे जो काम बाकी है उसमें ये सेक्शन भी आता है, यानी दादरी रेवारी सेक्शन। हालांकि इस पे 30 मार्च के दिन ट्रायल रन लिए गए हैं। आप पहले ट्रायल रन का लोको का आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग बताइए कैसा लगा ट्रायल रन। फिलहाल के लिए सिर्फ लोको का ट्रायल लिया गया है
आने वाले दिनों में यहाँ पे डबल स्टैक कंटेनर की मालगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। दोस्तों अगर पूरे WDFC कॉरिडोर की बात करूँ तो इसको ओपन किया जाना था मार्च 2023 में, लेकिन अगर दादरी पिरथला रेवाड़ी सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे इसको ओपन किया जाएगा 2023 में, यानी जून के महीने में ये ओपन हो जाएगा। थोड़ी सी बातें आप लोगों को ईस्टर्न DFC की बताता हूँ। ईस्टर्न DFC कॉरिडोर में 46 किलोमीटर लंबी ब्रांच लाइन बुलंदशहर से आकर कनेक्ट हो जाती है खुर्जा में, और खुर्जा से थोड़ा सा आप लोग पीछे आएंगे तो पड़ता है दादरी। दादरी में यहाँ पर ईस्टर्न DFC और WDFC यानी दोनों DFC कॉरिडोर आकर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दादरी रेवाड़ी सेक्शन की टोटल लेंथ है 127 किलोमीटर की, और यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उसका नाम है L&T कंस्ट्रक्शन। दोस्तों पूरे WDFC में अगर ऑपरेशनल पार्ट की बात करूँ तो रेवाड़ी फुलेरा सेक्शन जो है 306 किलोमीटर का पड़ता है, जो कि 2021 में जनवरी में ओपन कर दिया गया था। उसके बाद मारवाड़ पालनपुर जो सेक्शन है जो कि ऑपरेशनल हो चुका है, 353 किलोमीटर का सेक्शन है ये भी, और ये भी ओपन हो चुका है। दोस्तों 2005 में अप्रैल के महीने में इसको अनाउंस किया गया था DFC कॉरिडोर को, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा होगा तो आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसी ही अपडेट्स देखने के लिए। तो दोस्तों आज की अपडेट में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।